माशाल्लाह जी सुबह अल्लाह, हमारी 14वें रोजे की अफ्तारी शुरू हो गई। शामी को आए बेगम ने और इनके साथ है खरबूजा। हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन है बुशरा, आप लाइफ स्टाइल वो बहुत बीमार हैं, उन सब उनके लिए ना आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, अल्लाह उनको नसीहत तंदुरुस्ती दे। आपको मैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ना मेरे घर का अपना अफराद को बीमार हो, मुझे ऐसे तकलीफ महसूस होती है उनकी बीमारी की। लेकिन जी मम्मा ने चाट मसाला डाल लिया है टिक्कियों के ऊपर, तारी शुरू हो गई है जी। बेगम ने बनाया जी शामी। देखें जी माशाल्लाह मेहमान आए बड़ी दूर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बेगम क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। ये देखें जी, आज 15वें रोजे की सहरी शुरू हो चुकी है, तो माशाल्लाह सब उठ के आ गए हैं, खाना वगैरह बना लिया मैंने। जिस बहन भाई ने खाना खाना हो आ जाए, सहरी करनी हो। ये देखें जी माशाल्लाह सहरी शुरू हो गई है और मेरी पूरी फैमिली माशाल्लाह दस्तरखान पे पहुँच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक से सहरी करते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह ताला हम सब के रोजे कबूल फरमाए। माशाल्लाह दही है, बहुत मजेदार दही। 15वें रोजे की सहरी शुरू हो चुकी है आज, तो आधे रोजे गुजर गए हैं जी आज माशाल्लाह। क्या हो रहा है? चीनी नहीं फाड़ू दी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी, हमारी 15वें रोजे की सहरी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, हमने 15 रोजे मुकम्मल कर लिए हैं। आज 15वां रोजा हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह रमजान मुबारक की बरकत से जो हमारी बहनें भाई बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और खसूस रखूस हमारी आपकी बुशरा जो है वो बहुत बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके घर में, उनके रिस्क में, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनकी फैमिली की तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, क्योंकि पूरी फैमिली इस वक्त ना मुसीबतों की जद में है। अल्लाह ताला उनके घर पे, उनकी फैमिली पे रहम करम फरमाए, क्योंकि आपकी बुशरा खुद भी बीमार है, उनको शोहर भी बीमार है, उनके सिस्टर भी बीमार हैं, अल्लाह ताला सब कुछ पे कामला अता फरमाए। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, सुबह हो चुकी है, रोज़ा रखा है, नमाज कुरान पढ़ा सो गए थे, उठे हैं, अब हम आदम ने तैयारी कर लिया, स्कूल जा रहा है, आज ये खुद जाएगा माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है इस यूनिफॉर्म में ये। और ये जी बैग इसने रख लिया साइकिल पर, और ये इसका है साइकिल, इसकी माँ साथ खड़ी है। तो चलो बेटा अल्लाह के हवाले, ख्याल से जाना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, ठीक है? दुआ पढ़ के घर से निकलना है और किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, मिलजुल के रहना सबके साथ, ठीक है? हाँ, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए यार हबीब के सदके, आमीन। दुआ पढ़े साथ में, इसका दोस्त है जी, ये भी हमारा एक दोस्त है फौजी अकरम साहब, उनका बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? आपको बुक्स मिल गई हैं? नहीं, एक मिली है, बाकी भी। अच्छा चलो, बाकी भी आज मिल जाएंगे। जाओ बेटा अल्लाह के हवाले, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां अता फरमाए। बेटा किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, उधर प्यार में बसे रहना सबके साथ मिलजुल के। चलो जी अल्लाह के हवाले। तो जा रहे हैं जी हमाद और उसका दोस्त है क्लास फेलो उसका, ये लड़का इधर ही हमारे साथ ही रहता है, इसका अबू फौजी था, वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, आमीन। बीमार था बेचारा, बहुत सारा शुगर थी उसको। रेहान अहमद साहब किधर मुंह करो। हाँ जी तैयार हो रहे, जल्दी तैयारी करो बेटा, देर हो रही है स्कूल से। बेटा जल्दी कर लो ना, क्या कर रही है, स्कूल से देर हो रही है आपको। बोतलों में पानी, दूसरी बोतलें आपकी किधर है? क्यों उसमें पानी क्यों नहीं लेके जाती आप? क्यों बनाए? जब नहीं थी तो शोर था कि हमें बोतलें लेके दें, पानी वाली बोतलें लेके दी हैं, तो फिर आप इन बोतलों में लेके जाते हो, ये क्या हो रहा है? मनाहल का खाना पैक हो रहा है। अच्छा ये मनाहल का खाना पैक हो रहा है, क्यों उसने रोजा नहीं रखा? रोजा छोटी है। अच्छा माशाल्लाह धुआं निकल रहे हैं जी, बाफ निकल रही है, बाफ सालन से, ये सालन तो ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा उधर। पानी डाल लिया बोतल में? कभी नलके से डालती हो, कभी टूटी से डालती हो, कभी कूलर से डालती हो, क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे प्यारे बहन भाइयों क्या हाल चाल है, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गेट पार्ट, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज जी माशाल्लाह 15 रोजे हो गए जी, 15वें रोज़ की सैरी की हमने सुबह सुबह, तो अल्लाह ताला सबके रोजे कबूल फरमाए, और हमारे बहन भाई जहाँ भी ना खुश रहें, आबाद रहें, फूलों के रास्ते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो इसी के साथ ही अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो होते हैं जी देखते हैं मनाहिल और रेहान क्या कर रहा है, और हम आदम तो चला गया स्कूल,
इधर मनाहिल अपनी तैयारी कर रही है, कभी किसी चीज़ में लपेट रही हो बोतल को, कभी किसी चीज़ में लपेट रही हो। चलो दुपट्टा लो, स्कूल का निकला। हाँ आप क्या कर रही हैं? दूध गर्म कर, मेरा काम है। चलो मैं भी इनके साथ ही जा रहा हूँ। अल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम। जी गफार भाई माशाल्लाह लेके आ गए जी बेकरी की आइटम, केक रस हैं, इसमें बिस्किट भी हैं, इसमें जनाब ये केक रस हैं, ये बिस्किट हैं, ये है डबल रोटी, ये है ब्रेड, ये बंद डबल रोटी है और ये ब्रेड है, और इधर है जी क्रीम रोल, बहुत मज़े मज़े के होते हैं। दुकान से जा रहा हूँ घर, घर से फ़ोन आया है मुझे बेगम के भाई का कि मैं आपके घर आया हूँ, तो देखते हैं। जी मैं घर तकरीबन पहुँच चुका हूँ, गेट के पास पहुँच चुका हूँ, देखते हैं इसने झूठ बोला है या सही सच आ गया। ये तो सही में आ गया, ये मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है इसका। कौन कौन है? मामी। कौन सी मामी? न्याणे की मामी। इधर जी मैं आ गया हूँ मैं ना स्वीट्स पे, और यहाँ से मैंने लिए समोसे, मेहमान आए हुए हैं, समोसे ले लिए इधर से मैंने, अभी मैं जा रहा हूँ वापस। और हम आदामत के लिए लिए मैंने रजिस्टर, स्कूल के 5 रजिस्टर लिए उसके लिए, ये खड़े हैं। असगर भाई से लिया जी बोतल एक मेहमानों के लिए, ये देखें जी माशाल्लाह मेहमान आए बड़ी दूर से, तो रात का सफ़र कर रहे हैं ये, इसलिए इन्होंने रोज़ा नहीं रखा, तो फिर अभी इसको इनको यही दे रहे हैं, दही पल्ले हैं, खरबूजे हैं और हैं समोसे, रात को फिर खाना बनाएंगे, अगर ये रहे तो आगे जाना है उन्हें। ये चोरी लड़का अब्दुल रशीद साहब आए हैं जी, मामू हैं हमारे के कराची से आए हैं। ये देखें जी चौधरी अब्दुल रशीद साहब जा रहे हैं, रेहान अहमद पीछे बैठ गया, इधर मनाल खड़ी है, ये मामू इनका आया भी और जा भी रहा है। ये कराची होता है, घर भी नहीं रुका तो सुबह उतरा जैसे ही गाड़ी से तो सीधा इधर आ गया, तो अपनी बहन को ईद देने आया था, अब जा रहा है। अल्लाह हाफिज। ये देखें जी आज मम्मा बना रही है शामियां, ये देखें मक्खियां वाली कितनी आ गई हैं, और इधर है नॉनस्टिक तवा, इसके ऊपर घी डाला है, घी गरम हो रहा है, ये देखें ये तवा मैंने लिया है, मेरी एक बहन ने मुझे तवा लेके दिया था, ये मैं ना इस तारी का सामान इस पे बनाती हूँ, मतलब घी वगैरह कम लगता है, तो पकौड़े शामियां मैं इसमें बनाती हूँ, क्योंकि इतनी नहीं है कि घी ज़्यादा नहीं लगाते हम, बस थोड़ा सा घी डाल के तो बना लेते हैं। अल्लाह ताला उस बहन को सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। रिहान आया घर से, कुंडी तो लगा दो। ये देखें जी मम्मा टिक्की बना रही है, ये देखें पंदर, ये टिक्की है और थका हुआ कितना रोजा लगा हुआ है, मम्मा शामियां तल रही हैं। ये देखें एक साइड बिल्कुल वो क्या कहते हैं इसे सुरख हो गई है, ब्राउन ब्राउन, हाँ जी ब्राउन हो गया, ये देखें बहुत अच्छा कलर आया है, हम सब इसे शौक से खाते हैं। इधर गोश्त पकड़ा है, चाचू अकरम ने बकरा किया था, ये उनके घर से गोश्त आया था, पापा भी गए थे तकबीर देने के लिए, ये उन्होंने गोश्त दिया है, ये इधर पकड़ा है, दम पे रखा है मम्मा ने, जब बन जाएगा हम आपको दिखाएंगे, तो रहना हमारे साथ साथ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये देखें जी बेगम बना रही है जी शामी कबाब, ये बना रही है कद्दू के, तो रेसिपी इसकी मैंने लोड कर रही हूँ, लेकिन मैं लेट आया हूँ दुकान से, तो इन्होंने पहले मसाला वगैरह बना के रख लिया हुआ था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल जो है ना एक ही है, इसी पे ही मैंने सब कुछ करना होता है, तो शामी हमारी बन चुकी हैं, तो फिर दूसरे या तीसरे दिन इंशाल्लाह हम पूरी फुल रेसिपी इसकी शेयर करेंगे आपके पास। कौरमा बकरे का ये आया जी असलम और अकरम खान के घर से, बांध बांध कर दो मुझे।
माशाल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह चौदहवें रोजे की आज इफ्तारी शुरू हो गई है जी। बेगम ने बनाया जी शामी कबाब है और साथ खरबूजा है और इधर पानी है जी, मीठा पानी बनाते नहीं है क्योंकि मौसम ठीक है। देखें जी मनाहर खजूर उठा के बैठी हुई है, रोजा इसका है नहीं, पहले ही सब कुछ उठा लेती है जैसे रोजेदार है। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह हमारी चौदहवें रोजे की इफ्तारी शुरू हो गई, शामी कबाब बनाए बेगम ने और इधर साथ खरबूजा और साथ में बना हुआ जी कोरमा बकरे का। तो वो बकरे का गोश्त जो है वो असलम खान और अकरम खान वालों के घर से आया, क्योंकि तो उनको किसी आपी ने पैसे भेजे हैं, वो बीमार है उनकी बेटी, उनके लिए भी दुआ करनी है। और हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन है बुशरा आबिद लाइफ स्टाइल, वो बहुत बीमार हैं, उन सब उनके लिए ना आप सब बहन भाई ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको नसीहत तंदुरुस्ती दे। आपको मैं आज भी उनसे बात हुई है तो यकीन करें दिल ना रोता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ना मेरे घर का अपना अफराद को बीमार हो, मुझे ऐसे तकलीफ महसूस होती है उनकी बीमारी की। जो भी परेशानियाँ हैं दुख तकलीफ है यार तमाम से उनको जिस बहन ने वो बकरा भेजा है जो जुदा करके बांटा है उनका इनकी बेटी बीमार है यार बलावदीन, उनको से काम करते था विश्वास कामला था उनकी सदका खराब करना कबूल मुझे यार बलावदीन अपने प्यारे हबीब के सदके राज मुसलमान के हैं तो मुसलमान को ना बांटकर सबके रिस्क में बचते काम यार बलावदीन माह रमजान मुबारक की बरकत से जो भी मेरी बहन है जो भाई है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं यार बलावदीन उनको से काम करते का फरमा उनको से काम करते का फरमा जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको से काम करते का फरमा मेरे भाई हैं मेरा बहुत ही प्यारा भाई है अब्दुल अजीज वो पाकिस्तान से है और वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा भाई है बहुत सपोर्ट कर रहा है हमारे चैनल पर माशाल्लाह वीडियो देखता है अल्लाह ताला उनको से काम करते और लंबी ज़िंदगी का फरमाए उनके बच्चों की हिफाजत पर अफ़ार फरमाया तो अल्लाह ताला आप सबको सेहत ज़िंदगी का फरमाए और सबके रोज़े नमाज तरावी कुरान पाक की तलावत कबूल मंजूर फरमाए आमीन और हम सबको रोज़े रखने की तौफीक का फरमाए आमीन सल्लल्लाहु ताला। ये हेलमेट है चाचा लियाकत का, ये मैंने वापस देना है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उतनी देर के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें दुआ में याद रखना और हमें अच्छा सा कमेंट करना।